जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को बता दिए थे अवकल समीकरण के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको उसी वीडियो में बताया गया है, तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, आपको उस वीडियो में बता दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं अवकल समीकरण से, ठीक ना, अवकल समीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और उसको जो बनाने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल नए तरीके से हम आपको सिखाए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एकदम नए तरीके से आपको जो है बहुत ही कम समय में आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तरीका ऐसा आपको बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक बात और आप लोगों से कहना है कि यदि आप लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर माइंड मैथ्स एप्लीकेशन सर्च करना है और वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां से आप हमारे साथ जुड़कर अपनी गणित की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। अभी आपको क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी के लिए मात्र 499 रुपया का फी रखा गया है, जो बहुत ही कम राशि है, ठीक है। तो आप मात्र 499 में पूरे गणित की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन आपको सामने ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखकर इसका सॉल्यूशन आपको करने की जरूरत है, ठीक है। यदि आपने पहले वाला वीडियो हमारा देखा है तो, नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आपको देखने की जरूरत है। अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, देखने की जरूरत है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, ठीक ना। हाँ, देखिए, सबसे पहला सवाल आपका है कि dy बटा में dx प्लस dy बटा में dx प्लस 2y बराबर में आपका है cos x, बराबर में क्या है cos x, गौर कर लीजिएगा। dy बटा dx प्लस 2y बराबर में है cos x, नीचे चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आपसे पूछा गया है, यानी बस ये सवाल इसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। 2023 में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, समाकलन गुणांक पर आधारित, ठीक है। समाकलन गुणांक को शॉर्ट में हम लोग IF लिखते हैं, ठीक है, IF से सूचित करते हैं, यानी इंटीग्रल फैक्टर। तो अब IF का मान हम कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। IF का मान निकालने से पहले आपको जो है ये क्वेश्चन का सेटिंग पहचानना होगा, ठीक ना बउआ, क्वेश्चन का सेटिंग पहचानना होगा। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, बस आपको सेम टू सेम क्वेश्चन का सेटिंग मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है, सेम टू सेम, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन का सेटिंग आपको जो है सेम टू सेम मिलेगा, और उसका इंटीग्रेशन बहुत कम समय में आप निकाल सकते हैं। बस आप क्वेश्चन का सेटिंग बना लीजिए और सीधे आंसर में टिक मार दीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तरीका तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। चलिए देखिएगा, डीवाई बटा डीएक्स प्लस टू वाई बराबर में है कॉस एक्स। अब जितना हम बोल रहे हैं, यदि आप के पास आंख नहीं है, ठीक ना, सिर्फ यदि कान है, कहने का मतलब कि यदि कोई अंधा भी होगा तो सुनकर सिर्फ इस सवाल का जवाब दे सकता है आसानी से। सुन लीजिए क्या है, dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, ठीक है बउआ, हाँ, हमेशा dy बटा dx ही यहां पर होगा, और वो dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ ना ही कोई फंक्शन होना चाहिए, ना ही कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ना ही गुना में होना चाहिए, ना ही जोर में होना चाहिए, ना ही घटाव में होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहां dy बटा dx ही होगा, बिल्कुल अकेला होगा, तो अकेला यहां पर है dy बटा dx। यदि कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि कभी यहां जोर में कोई आ जाए, घटाव में आ जाए,
गुना में आ जाए तो उसको हटाने का प्रयास करना है। कैसे हटाना है इसका तरीका हम अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे जब आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल अकेला है तो आपको अकेला ही देखना है। अब यहां पर यदि वाई है तो यहां पर भी आपको वाई ही होना चाहिए। जितना कह रहे हैं सिर्फ उतना ही समझिएगा ठीक से, ठीक है। हाँ, यहां पर यदि वाई है तो यहां पर वाई ही होना चाहिए। इसके बाद यहां पर आपको जो है वाई के बगल में या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर कोई फंक्शन होगा, ठीक है ना बुआ। यहां वाई के बगल में या तो कोई कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा, और वो भी कांस्टेंट होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि फंक्शन होगा तो हमेशा एक्स वाला फंक्शन होगा, क्योंकि यहां जब वाई रहेगा तो यहां एक्स वाला फंक्शन होगा, और यदि यहां एक्स रहेगा तो यहां वाई वाला फंक्शन होगा, माने उल्टा होगा, ठीक है ना बउआ। हाँ, यहां यदि वाई है तो यहां एक्स वाला फंक्शन होगा, और यहां भी आपका या तो कोई कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा, तो यदि यहां वाई है तो यहां भी एक्स वाला ही फंक्शन होगा। क्लियर है? बस अब यदि ऐसा सेटिंग किसी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल रहा है, किसी भी अवकल समीकरण में ऐसा सेटिंग देखने को मिल रहा है, और आपको यदि कह दे कि दिए गए अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक निकालना है, तो आप सिर्फ एक लाइन क्रिया करेंगे कि आई एफ बराबर, आपको मतलब अब किसी से नहीं है, वाई के बगल में जो कांस्टेंट है या फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसी से मतलब है। वाई के बगल में जो कांस्टेंट होगा या जो फंक्शन होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब है, इसके अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है। बाकी क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है। करना क्या है कि e के पावर में इसका इंटीग्रेशन लिख देना है ना। e के पावर में दो का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो दो तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ना, दो dx, ठीक है, दो dx, यानी हो जाएगा e के पावर में दो तो ज्यों का त्यों होगा, यहां dx है तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा आपका e के पावर में 2x के बराबर। कितना हो जाएगा, e के पावर में 2x के बराबर। पहला सवाल था, थोड़ा सा टाइम लिए हैं, शायद आपको एक ही बार में आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब जब भी आपको समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहेगा, आप समाकलन गुणांक निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके का प्रयोग कीजिएगा। आसानी से किसी भी समाकलन गुणांक का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, यदि कोई अवकल समीकरण आपको ऐसा दिया गया है। आइए, दूसरा सवाल आपका है, सवाल ऊपर दिख रहा है, अब हमें लगता है कि अब आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से अब आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा, सवाल आपका है कि dy बटा में dx प्लस पी y बराबर में q, है ना, कह रहा है py बराबर में q का समाकलन गुणांक है। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछा गया सवाल है। अब आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक इसका सही आंसर है। एक बार आप ऑप्शन को देख लीजिए ठीक से और अपने दिमाग में घुमाइए कि हमने क्या क्या आपको कहा है। बस आपको सिर्फ घुमाना है और आप सीधे आंसर की तरफ आ जाएंगे, सीधे आपको आंसर पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिएगा, अभी जो हम आपको बताए हैं कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए, बिल्कुल अकेला है, dy बटा dx के साथ कोई नहीं है, ना ही कोई फंक्शन गुना में है, ना ही जोर में है, ना ही घटाव में है, नहीं है। चलिए, अब जब यहां पर y है तो यहां पर भी आपको y ही दिख रहा है ना, यहां पर y है तो यहां पर y ही दिख रहा है, दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। इसके बाद यहां पर आपको या तो कोई कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा, तो उसके जगह पर p लिखा हुआ है। अब p को समझ लीजिए कि यहां पर कोई फंक्शन है या कोई कांस्टेंट है, ठीक है, p है, और यहां पर q लिखा हुआ है, तो यहां पर q भी जो है या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, p और q लिखा है, माने फंक्शन या कांस्टेंट को हटाकर p और q लिख दिया है, आपको उससे घबराना नहीं है। चलिए, आई एफ का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, e के पावर में इंटीग्रेशन किसका, तब p का, इसी का ना, इसी से ना आपको मतलब है, तब p dx। अब p के जगह पर कोई मान होगा, यहां पर उस मान को p माना गया है, तो यदि p के जगह पर कोई मान होगा
तो उस मान का इंटीग्रेशन करके यहां पर लिखना है। अभी पी है तो पी लिख के छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पी के जगह पर या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है ना बउआ, हो तो गया इसका आंसर। देख तो लीजिए एक बार अच्छा से, ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार ठीक से। हाँ देख लीजिए ठीक से एक बार, इसको मिटा दे क्या। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि x इंटू डीवाई बटा में डीएक्स, एक्स इंटू डीवाई बटा में डीएक्स, इसके बाद क्या है माइनस वाई बराबर में टू एक्स स्क्वायर। वाह, अब जिसका इंतजार था वो सवाल आपके सामने आ गया है। इंतजार किस सवाल का था आपको कि गुरुजी खाली यहां पर अकेला डीवाई बटा डीएक्स आ रहा है, डीवाई बटा डीएक्स के साथ कुछ लग के नहीं आ रहा है, तो आपकी जो तमन्ना थी वो पूरा हो गई है कि यहां पर डीवाई बटा डीएक्स के साथ अब एक्स आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी फंस गए, हमको तो बता रहे थे कि डीवाई बटा डीएक्स बिल्कुल अकेला होना चाहिए और यहां डीवाई बटा डीएक्स के जगह पर एक्स भी आ गया, अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए। नहीं चला ना, हम फंसे हैं और ना ही आपको फंसने देंगे। ठीक ना, यदि dy बटा dx के जगह पर यहां कोई फंक्शन गुना में आ जाए तो आपको हम बताए हैं कि उसको हटाने का प्रयास कीजिएगा। और सिंपल तरीका है हटाने का, यदि कोई फंक्शन गुना में आ जाए या कोई फंक्शन जोड़ में आ जाए या कोई फंक्शन घटाव में आ जाए तो हटाना तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि यहां पर जोड़ में रहेगा तो उधर घटाव में ले जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, यहां पर यदि घटाव में रहेगा तो उधर कहां ले जाएंगे, उसको जोर में ले जाएंगे ना। और यहां पर यदि गुना में है तो सिंपल है कि हटा देना है। इसको कैसे देखिएगा, देखिए तो जितना से यहां गुना है ना उतना ही से हम भाग कर देंगे, सब में, किसी एक में नहीं, सब में, सभी में आप उतना ही से भाग कर दीजिए। हाँ आप देखिए आसानी से हट गया, अब आसानी से हट गया, ये एक्स से एक्स कट गया, यहां दो गो एक्स था, एगो एक्स से एगो एक्स कट गया, बच गया कितना डीवाई बटा डी एक्स बराबर में, सॉरी बराबर नहीं, माइनस यहां पर हो जाएगा माइनस वन बटा एक्स इंटू वाई, अब बराबर में कितना टू एक्स। अब आपका जो मन था वही हुआ, जो आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया था सिर्फ वही कॉन्सेप्ट अब आपको दिख रहा है। क्या क्या बताए हैं गौर कीजिएगा, बताए आपको कि डीवाई बटा डी एक्स बिल्कुल अकेला होना चाहिए, है बिल्कुल अकेला, नो डाउट, कोई समस्या नहीं इसमें। अच्छा इसके बाद यदि यहां पर y है तो यहां पर भी y ही होना चाहिए, वो भी है, y के बगल में आपका जो फंक्शन होगा ठीक है वो या तो x में होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, तो यहां पर फंक्शन है, इसके बाद इधर भी कोई फंक्शन होगा जो x में ही होगा। अब इसका निकालना है समाकलन गुणांक यानी if का मान, e के पावर में y के साथ जो फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन। अक्सर यहां पर प्लस इससे पहले हुआ करता था, अभी माइनस है, तो चिन्ह के साथ इंटीग्रेशन करना है आपको। प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब माइनस रहेगा तो माइनस को शामिल करना पड़ेगा आपको। चलिए तो माइनस को बाहर कर देते हैं, एक बटा एक्स डी एक्स, ई के पावर में माइनस बाहर रहेगा, एक बटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ठीक है लॉग एक्स। अब एक चीज और देखिए, यहां पर वन है ना, माइनस वन है, यदि इसको हम हटाएंगे तो कहां आ जाएगा, कोणांक के पावर में, यानी ई के पावर हो जाएगा आपका लॉग एक्स के पावर माइनस वन। और ध्यान से देखिएगा कि यदि ई के पावर में लॉग हो तो सब खत्म हो जाता है, खाली कोणांक बच जाता है, यदि ई के पावर में लॉग आ जाए तो सब खत्म हो जाता है, खाली कोणांक बच जाता है, यानी कोणांक में है एक्स के पावर माइनस वन तो यही बचेगा, पावर का माइनस हटेगा तो बटा में आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका एक बटा एक्स के बराबर। ठीक है, इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा वन बटा में एक्स के बराबर, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर भी चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा ऊपर में, पहले एक बार अच्छा से आप खुद देख लीजिए, ठीक है, फिर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से सभी लोग एक बार देख लीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार देख लीजिए। देखिए बस सिर्फ एक बार ही आपको पढ़ना है,
एक बार पढ़ लीजिए और ऐसा पढ़ लीजिए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना हो और बोर्ड एग्जाम में टोटल का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप कर ले, ठीक है। हाँ, पढ़िए इस तरीके से कि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। एक बार आप पढ़ लीजिए और सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में कहे कि यही करना है, ऐसे ही करना है, बस आपको ऐसे छप जाना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। और शायद वैसे ही छप रहा होगा और आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन आपके सामने अभी आप जो दिख रहा है, एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। कहता है कि कॉस स्क्वायर एक्स डीवाई बटा डीएक्स, हाँ, इसके बाद क्या है, प्लस वाई बराबर, बराबर में कितना है, प्लस वाई बराबर में है टेन एक्स, प्लस वाई बराबर में क्या है टेन एक्स। अब कह रहा है कि इसका निकालिए समाकलन गुणांक ना, और अभी इसी टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तुरंत किए हैं कि dy बटा dx के साथ यहां पर एक फंक्शन आ गया गुना के रूप में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहां से dy बटा dx के साथ जो आपको यह फंक्शन दिख रहा है गुना में, इसी को तो हटाना है। अब इसको हटाने के लिए क्रिया क्या करना है यह भी आपको बता दिए कि dy बटा dx के साथ यदि कोई फंक्शन गुना के रूप में आ जाए तो आप सबसे पहले जितना से उसमें गुना किया गया है उतना ही से आप सभी फंक्शन में, जितने भी यहां पर आपको पार्ट दिख रहा है सभी में उतना ही से भाग कर दीजिए, ले भाग करो। यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो बटा में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, यहां भी बटा में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और यहां भी बटा में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहां तो कॉस स्क्वायर एक्स से ही कट जाएगा तो कितना बचेगा, dy बटा में dx प्लस, देखिए ऊपर में एक है और नीचे में cos स्क्वायर x है, तो 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x, y ज्यों का त्यों और बराबर 1 बटे cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x, और tan x तो पहले से आपको दिख रहा है तो sec स्क्वायर x इंटू tan x। आ जाओ, अब आपको फिर से अपनी दुनिया में ही आना है, आपका जो अपना दुनिया था उसी में तो आना है। कहा क्या रहा है, आपको क्या बताए हैं कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए, एकदम अकेला है, कहां है कोई dy बटा dx के साथ, जो था उसको तो हटा दिए। हाँ, अब आइए इसके बाद क्या करना है, तो यहां देखिए यदि y है तो यहां भी आपको y दिख रहा है और y के बगल में आपको जो है फंक्शन दिख रहा है और आपको बताए हैं कि वो भी फंक्शन जो है या तो x वाला होना चाहिए या फिर कोई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो यहां पर x वाला फंक्शन है, इधर भी आपको फंक्शन दिख रहा है एक्स वाला, हमको अब विशेष किसी से कोई मतलब है नहीं, निकालना है आई एफ का मान, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ई के पावर में ये जो वाई के बगल वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, सिर्फ काम बन गया आपका, ठीक ना बउआ। हाँ, तो ई के पावर में सेके स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, सेके स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e के पावर में tan x, जो आपको जो है ऑप्शन नंबर, एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है e के पावर में tan x, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, कितना सिंपल है, कितना आसान है, ठीक है। इसी के लिए आपका माथा दर्द होने लगता है, हाँ, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इसकी वजह से माथा दर्द होने लगता है। अब हमें लग रहा है कि आपको माथा में दर्द नहीं आता होगा, अब आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आता होगा, ठीक है। हाँ, बहुत मजा आता होगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, बहुत अलग तरीके से सीखा है। आइए, तो यदि मजा आता है तो कुछ और क्वेश्चन हम करते चलें। हाँ, आज इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में, हम टोटल क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर इसका दूसरा क्लास करने की जरूरत नहीं है, और आपको अभी बता दे इसकी पूरी गारंटी है कि है यदि आप में क्षमता, यदि आप में है वो पावर, है यदि आप में हिम्मत, तो आप इसे भूल कर दिखाइए, ठीक है। आप भूल कर दिखाइए समाकलन गुणांक निकालने का तरीका, तो समझे, समझ में आ रहा है। हाँ, इसकी हम गारंटी लेते हैं, ये चैलेंज करते हैं आपसे कि आपको जो तरीका भी हम बता दिए हैं, आपके यदि दम है अंदर, आपके अंदर यदि क्षमता है, तो एक बार भूल के दिखाइए कि समाकलन गुणांक निकालने का क्या तरीका बताए थे गुरुजी, आप खाली भूल के दिखाइए हमको, समझ में आ जाएगा। एक बार भी आप चाहिएगा ना, भूला ना सकोगे
चाह कर भी, हाँ भूला ना सकोगे मुझे भूल कर भी। समझ में आ रहा है, वही बात है, ये कहता है आप नहीं भुला सकते हैं इसको। देखिए कितना पसीना निकल रहा है, कहते हैं ऐश करते हैं ऐश, पागला कहीं घेरे। आइए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर, dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर, बराबर क्या है, बराबर आपका है, देखिएगा किधर गया, हाँ y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर, ठीक है y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमें, ठीक है, ऐसे भी आपको इधर से अभी कोई मतलब है नहीं, ध्यान से देखिएगा, यहां dy बटा dx अकेला होना चाहिए, चले बिल्कुल अकेला है, हाँ यहां पर y है तो यहां भी y होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि y के साथ कोई फंक्शन होना चाहिए x वाला, बिल्कुल x वाला फंक्शन है, 1 बटा x तो है ना। चलिए अब इसका निकालना है if का मान, if बोले तो समाकलन गुणांक का मान कितना होता है बुआ, e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन, यस e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन, यही ना होगा, e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए तो e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। अब समझिए ठीक से, जब यहां पर log x हो गया तो क्या करेंगे, यहां पर log x हो गया तो देखिए यहां पर कॉन्स्टेंट 1 है, इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, x के पावर 1 यानी इसका आंसर हो जाएगा x के बराबर, ठीक है x के पावर 1 यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका x के बराबर, ठीक है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है हाँ जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए इधर। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, फटाफट से जल्दी जल्दी से एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए क्वेश्चन सभी लोग। देखिए क्वेश्चन आपका है, यही क्वेश्चन है dy बटा dx प्लस 1 बटा x इंटू वाई और बराबर में है एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सजाकर लिखे हैं, y बटा x लिखा हुआ था तो हम 1 बटा x इंटू वाई लिख दिए, कोई गलती नहीं है। चलिए अब क्या करना है तो देख लीजिए dy बटा dx बिल्कुल अकेला है, यहां देखिए y है तो यहां भी y है, यहां 1 बटा वाई होना है, सॉरी 1 बटा x है तो है, यहां भी x के रूप में फंक्शन आपको दिया गया है। if का मान निकालने के लिए क्या करना है बुआ, ध्यान से देखिएगा, e के पावर में इंटीग्रेशन करना है किसका, तो y के बगल वाला का, तो y के बगल में कितना है 1 बटा x ना, यानी होगा इसका e के पावर में log x, ठीक है आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके पावर में चला जाएगा, ठीक है और बाकी सब खत्म हो जाएगा क्योंकि e के पावर में log है, इसका हो जाएगा x के पावर 1 यानी कि x के बराबर, इसका हो जाएगा समाकलन गुणांक कितना के बराबर, x के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लीजिए एक बार, सवाल आपका है कि dy बटा dx बराबर कितना, dy बटा dx बराबर है आपका, सॉरी बराबर नहीं प्लस y tan x, इसके बाद क्या है बराबर में है आपका sec x, क्लियर कर लीजिए dy बटा dx प्लस y tan x बराबर में क्या है sec x। अब क्या करना है गौर कीजिएगा, यहां पर गौर कीजिए, यहां dy बटा dx बिल्कुल अकेला है ना, अब यहां पर y के साथ क्या है तो tan x ना, y के साथ क्या है tan x, आपको निकालना है if का मान, कैसे निकालेंगे e के पावर में इंटीग्रेशन किसका, तो y के साथ वाला फंक्शन का, y के साथ tan x है ना तो tan x इंटू dx, यह हो जाएगा आपका e के पावर में tan का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, देख लीजिएगा tan का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x। अब यहां पर गौर कीजिए, यहां पर एक है,
ये जो है लॉग के पावर कोणांक के पावर में चला जाएगा, कोणांक में sec x है ना, तो ये लॉग के कोणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, सीधे सीधे बचेगा sec x, कितना बचेगा बउआ sec x, यानी इसका जो समाकलन गुणांक होगा if का मान होगा वो कितना के बराबर होगा, sec x के बराबर होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा, किधर गया, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सवाल है dy बटा dx प्लस py, dy बटा में dx प्लस py बराबर में है q, जा यह सवाल तो पहले भी हम देखे हैं, यह रिपीट कर गया है। अच्छा यहां स्पष्ट लिखा है, देख लीजिए ऊपर में, यहां स्पष्ट लिखा है जहां p और q x के फलन है का समाकलन गुणांक ज्ञात करें, यहां पर स्पष्ट कर दिया है, उसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये p और q जो है x के रूप में क्या है, फंक्शन है, p और q x के रूप में फंक्शन है, तो इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए सिंपल तो है, e के पावर में इंटीग्रेशन करना है किसका, तब p dx हो गया, यही तो है, पिछले एक क्वेश्चन पीछे भी था इसका, सेम क्वेश्चन यही था, पीछे क्या था, यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था आपसे। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल कहता है कि डीवाई बटा डीएक्स, डीवाई बटा डीएक्स प्लस कितना वाई सेक स्क्वायर एक्स अब बराबर में कितना है, तो टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर में है टेन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, यानी आई एफ का मान, देख लीजिए ना अकेला है y है तो यहां भी y है, यहां x वाला फंक्शन है, उधर भी x वाला फंक्शन है, पर सिंपल है आई एफ का मान निकालने के लिए e के पावर में y के साथ जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, यानी होगा e के पावर में sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x ना, हाँ तो e के पावर में tan x, देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा e के पावर में tan x। ठीक है, e के पावर में tan x, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन जो आपका है शायद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, x इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले भी ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ठीक है, हाँ तो इतना क्वेश्चन जो है जितना भी आपको बता दिए, इतना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पहले पूछा गया है, यानी 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में समाकलन गुणांक से कुल मिलाकर इतना सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इतने क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से किए हैं, एक क्वेश्चन तो हम आपको बताए, बाकी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन शायद आपने खुद से कर लिया होगा। तो अब जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है 2023 में, यदि इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उस सवाल का जवाब खुद से दे पाएंगे और बहुत ही कम समय में दे पाएंगे, और बच्चों से कम समय में दे पाएंगे आप। ठीक है, हाँ बस आपको एक बार जो है और भी क्वेश्चन कर लेने की जरूरत है, यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं, मान लीजिए यानी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन तो नहीं कह सकते क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो गया, आप इसको आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास जो है एक पीडीएफ बन सकता है, यदि आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसका, केसीसीना में भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसका, तो आप वहां से जो है केवल और केवल, अच्छा पूछेगा कुछ भी मतलब उससे नहीं है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको यह नहीं देखना है कि उसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, आपको उसका समाकलन गुणांक निकाल देना है, समझ में आ रहा है, बस आपको उसका समाकलन गुणांक निकाल देना है, बात खत्म हो गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखिए आप उसका समाकलन गुणांक निकालिए, बात खत्म है, और क्या पूछ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा कम समय का है, मान लीजिए कि आधे घंटे का ही क्लास है, लेकिन आधे घंटे में एक पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोगों ने सीखा है कि समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोटि और घात, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो कोटि और घात से क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है और उसको बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और सीखेंगे कोटि और घात को। यदि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, यदि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट बेहतर लगा है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कर लीजिए,
मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।